हमने ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, कठिन काम लिया है सर पे, लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है, उसको पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है और वो 14 फाइनेंस कमीशन, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिहार को अगर 5 साल का फाइनेंस कमीशन का मैं देखूं तो बिहार को 2015 से 2020 के दरमियान फाइनेंस कमीशन के द्वारा करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं। मेरा ये विश्वास है पूरब में जब तक प्रगति नहीं होती है देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने कहा था केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष पैकेज देंगे। और उस समय मैंने घोषणा की थी, चुनाव के पहले मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपयों का पैकेज बिहार को दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं जब दिल्ली में बैठा बारीकी से चीजों को देखा और मैं नतीजे पर पहुंचा कि मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है, बिहार को अगर मुझे उस ऊंचाई पर ले जाने में बिहार के साथ को साथ लेकर के चलना है तो 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। मैं आज उसकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं सही समय पर आकर के उसकी घोषणा करूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा, ये मैं आपको वादा करने आया। आज यहां पर देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को मैंने बुलाया है पटना की धरती पर, अब इस कार्यक्रम के बाद उनके साथ बैठने वाला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना कहीं है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में है, बिहार में है, बंगाल में है, आसाम में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना इस इलाके में है।